हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हिमांश में। आज हम एडिटेड एरिया के 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को लेके आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बिहार शिक्षक बहाली के लिए और बाकी देखिए इसमें और भी एग्ज़ाम्स के लिए, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1987 से 88 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1992 ईस्वी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, कर सुधार से, या इसमें से कोई नहीं? तो थ्री का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। और ये कब हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? ये आपकी हुई थी 1992 से 97 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? दशावतार मंदिर देवगढ़, भीतरगांव मंदिर कानपुर, भूमरा का शिव मंदिर सतना, या तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर? तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ए, दशावतार मंदिर देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन की, पोटाश की, फास्फोरस की, या इसमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज बी, पोटाश की। सेवन नंबर क्वेश्चन है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ग्रेट निकोबार की, दक्षिणी अंडमान की, मध्य अंडमान, या उत्तरी अंडमान? तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी अंडमान की। एट नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मानी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो एट का राइट आंसर हो जाएगा बी, महानदी की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से देख के करिएगा। तो नाइन्थ में आपका क्या हो जाएगा, नाइन्थ में देखिए आपका जोजिला जो है वो जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही है। आपका बी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। आपका चांगला मेघालय, ये रॉन्ग है। और बामढीला अरुणाचल प्रदेश, तो आपका ये डी बी राइट है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, ए बी और डी राइट हो जाएंगे, जिसमें और सी आपका क्या है, रॉन्ग है, यानी ये नहीं है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक फुट। कौन सा होता है? ब्लैक फुट हो जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? मंत्रियों के कर्मी का निरीक्षण, अर्थ विभाग का अध्यक्ष, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, या वकील सल्तनत का सहायक? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थ विभाग का सहायक। नेक्स्ट है, संकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है? तो 13 में क्या होगा, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, या रामानुजाचार्य? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निम्बकाचार्य। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो राइट आंसर इज बी, इल्तुतमिश। ये सही सुमेलित करना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, और इसमें पूछा जा रहा है हेमिस मठ, जो हेमिस मठ है वो कहाँ पे है? तो
तो हेमिस मठ है आपका लद्दाख में, त्वांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, बोधि मठ है आपका बोधगया में, और नामग्याल मठ है आपका धर्मशाला में। तो इसका राइट आंसर किस में हो जाएगा, देखिए फर्स्ट है हेमिस मठ यानी थर्ड, थर्ड सी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है। फिर है त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश, तो त्वांग ये हो गया आपका फर्स्ट, तो राइट आंसर इज सी, सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 11वें शिलालेख में क्या किया गया है, धर्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन में, कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। एटी नंबर क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों को का नेतृत्व किया, दांडी, धरसाना, वडाला या सूरत, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, धरसाना में, कहाँ पे किया था, धरसाना में। नेक्स्ट, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उलर, तर, नाटोर या सभा, तो राइट आंसर इज डी, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए, यहाँ आपको क्रांतिकारी दिए हुए हैं और ये स्थान दिए हुए हैं, इसे हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए लियाकत अली खान जो है वो आपके हैं इलाहाबाद से, कहाँ से हैं, इलाहाबाद से हैं। खान बहादुर शाह कहाँ से हैं, तो ये आपके बरेली से हैं, और अजीमुल्ला कहाँ के हैं, तो ये आपके फ़तेहपुर से हैं, अब बेगम हजरत महल कहाँ से है आपकी, लखनऊ से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, रेल, सिंचाई या कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा से। नेक्स्ट, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या एनी बेसेंट ने, तो राइट आंसर इज ए, केशव चंद सेन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन या जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रॉलेट एक्ट, और ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 19 मार्च 1919 को। नेक्स्ट, 24 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था ये, 24 मार्च 1946 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है, गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गणतंत्र, क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, तो 26 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ट्वेंटी सेवन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार, तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? नहीं पूछा जा रहा है लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में, ये राज्यों की विधानसभाओं में। तो राइट आंसर इज ए, केवल लोकसभा में। थर्टी फर्स्ट नंबर है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में या उपयोग में से सभी में। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जलीय वातावरण में। नेक्स्ट, नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोनों की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से क्या मापा जाता है? नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नेक्स्ट है, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो राइट आंसर इज बी, नेपाल में। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, लघु रेडियो तरंग या शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? हेनरिक हर्टज, मार्कोनी, जोहान रिटर या न्यूटन के द्वारा। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेनरिक हर्टज के द्वारा। नेक्स्ट, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक श्रेणी, द्वितीय उत्तोलक श्रेणी, तृतीय उत्तोलक श्रेणी या ए प्लस बी। तो राइट आंसर इस 35 का क्या हो जाएगा? ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। कौन सा? कील उखाड़ने का हथौड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो 36 में क्या होगा? डायनमो, टर्बाइन, पवन चक्की या इनमें से सभी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जी अदिश राशि है। थर्टी एट नंबर क्वेश्चन है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके क्षयांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले से घटता है फिर बढ़ता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो 39 में क्या होगा? जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन या कार्बन। तो राइट आंसर इज बी, सिल्वर। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की कमी से क्लोरोफिल का टूट जाना। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जल का प्रकाश अपघटन। 41 नंबर है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? खान, पशुधन, मुद्रा पूर्ति या इसमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा पूर्ति। 42 नंबर है, बंदी की द्विधा या प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांच निर्माण की तकनीक से, चमड़ा उत्पादन की तकनीक से, नौवहन उद्योग में प्रयुक्त शब्द से, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है। 43 नंबर है, UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो 43 में क्या आएगा? 8, 9, 10 या 15। तो राइट आंसर इज सी, 10। नेक्स्ट, मनुष्य की जीभ किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? अगला भाग, पिछला भाग, मध्य भाग या किनारों पर। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पिछले भाग में। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या इंट्रोकाइनेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन।
46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? ग्रसनी में, कंठ में, ग्रास नली में या श्वास नली में? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रसनी में। नेक्स्ट, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? दमा, हृदय, गाउट, इसमें से कोई नहीं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गाउट। फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है और जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? कॉर्निया, कोराइड, आयरिस या विट्रिम स्पिंड? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आयरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? शुद्रांत में, यकृत में, वृहदांत्र में या डी ए प्लस बी, दोनों में? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, शुद्रांत में। ये कुछ स्मरणीय तथ्य है जो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। देखिए क्या है, श्री संप्रदाय किसके द्वारा है? रामानुजनाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद का, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। नेक्स्ट, प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, मामलपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, पुरी का जगन्नाथ मंदिर चौल शासक गंगदेव, ओडिशा का लिंगराज मंदिर यायाति केसरी के द्वारा। आज हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ऐसे ही और वीडियोस लेके आते रहेंगे हम, तो वीडियोस के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।